जौनपुर के मुफ्तीगंज थाना क्षेत्र के कटरा गांव के रहने वाली महिला के प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल पहुंची तो वहां के डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद कहा अभी प्रसव का समय नहीं है। कुछ देर बाद महिला अस्पताल के शौचालय की तरफ गई तो जहां उसे प्रसव पीड़ा फिर से शुरू हो गई। वो शौचालय में ही उसने प्रसव हो गया। इस घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं तुरंत आनन फानन में महिला को वार्ड में भर्ती कराया गया और बच्चा और जच्चा की जाँच की जा रही है। दोनों स्वस्थ पाए गए। इस मामले के बाद अस्पताल अधिकारी प्रसव को शौचालय में ना होने बता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रसव लेबर रूम में हुआ, जबकि महिला का कहना है कि उसका प्रसव शौचालय में हुआ है। कब प्रसव कब हुआ आपका? कहाँ हो गया था प्रसव? टॉयलेट में। क्या उसके पहले बेड पे भर्ती नहीं किया था? नहीं, भर्ती नहीं। फिर जब प्रसव हो गया तब भर्ती किया? हम आज पहले भर्ती नहीं हुए थे, तब टॉयलेट गए हमारे, टॉयलेट में भर्ती कर दिया। अच्छा, ऐसा भी कुछ आरोप है कि पैसा मांगा जा रहा था शौचालय सफाई के लिए? सब हुआ है और ऐसा ये कहा जा रहा था कि नहीं उसको एडमिट नहीं किया गया, क्या मामला है? एक्चुअली वो पेशेंट एडमिट होने के लिए आई थी यही इसी लेबर रूम में। एडमिशन के समय, एडमिट होने के पहले ही उसको प्रसव हो गया। कोई बात नहीं थी कि उसे भर्ती नहीं किया गया, उसे कहा नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अभी। नहीं नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्रसव हमको लगता है उसको स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ तक आते आते वो चूँकि मल्टीपैरा थी, मल्टीपैरा में डिलीवरी जल्दी हो जाती है ना, तो जो है यहाँ एडमिशन हो रहा था। जो डॉक्टर साहब जो देखी हैं उन्होंने कहा कि तुरंत भर्ती हो जाओ, तो भर्ती के समय ही उसको डिलीवरी हो गई। तो डिलीवरी कहाँ, शौचालय में हो गई? नहीं, शौचालय में नहीं हुई। एडमिशन शौचालय में थोड़ा ना होता है, इसी डिलीवरी रूम में। महिला का कहना है कि उसकी डिलीवरी शौचालय में हुई है। नहीं नहीं, वो मोटिवेटेड है कहीं ना कहीं से। उसको एक सज्जन जिन्होंने इस सब मामले को हाईलाइट किया है, उस सज्जन ने उसको मोटिवेट किया है क्योंकि उसके पहले वो आ करके हमसे काफ़ी लड़ गए हैं और उनकी हमारी लड़ाई खाली इस बात पे हुई कि रिजर्वेशन के लिए कि यहाँ सारे डॉक्टर अक्षम हैं और जो डिलीवरी जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं, एक दाई बढ़िया करा देती है, तो वो कहाँ से बोल रहे थे, वो हमको बात कुछ की समझ नहीं आई। उन्होंने उसको मैनेज किया है। जौनपुर से विपुल सिंह की रिपोर्ट।